बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली। ये देखिए, मैंने आज चिप्स बनाए हैं और ज़रा डिफरेंट स्टाइल से बनाए हैं। ये मैंने बनाए हैं इमली वाले चिप्स और ये बनाए हैं मैंने चीज़ वाले चिप्स, तो बहुत मज़े के हैं। तो चलिए देखते हैं इनको किस तरह बनाते हैं। रखती है और ये गर्म तकरीबन हो चुका है। ये साथ मैंने चिप्स लिए हुए हैं और ये मैं इसी तरह मार्केट से ही जो मिलते हैं फ्रोज़न वो मैं लेके आई हूँ। और अगर आपको इस तरह के नहीं पसंद तो आप घर में आलू लेके उसको छील के जिस मर्ज़ी ये शेप में काट के बना सकते हैं। तो मेरा ऑयल ये गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ये अपने सारे चिप्स डाल देती हूँ। ये देखें, अब मैं इसको फ्राई कर लूँ। ये देखें, चिप्स रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको उतारती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, चिप्स रेडी हो चुके हैं। अब इस पर मैं थोड़ा सा मसाला, चाट मसाला जो है आपके पास वो आप थोड़ा सा छिड़क दीजिए इस तरह, और कोई भी आपके पास सॉस है, जो भी आपके पास इमली सॉस है वो आप इस पर डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें जी, इमली चिप्स जो हैं रेडी हो चुके हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें थोड़े से खुले बर्तन में। ये आप चिप्स जब डालेंगे तो मिक्स करना आसान हो जाएगा, और अगर आपको थोड़ा सा और चाट मसाला पसंद है तो वो भी आप इस तरह डाल सकते हैं। तो चलें मिक्स करके फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें चिप्स डालती हूँ। ये देखें, ये सारे चिप्स इसमें डाल दिए, इसको मिक्स कर लें। और जैसे ये बनते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, चिप्स रेडी हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, चिप्स रेडी हो चुके हैं, अब मैं इसमें चीज़ डालूँगी। और जैसे ही ये गर्मा गर्म में डालेंगे, ये देखें, चीज़ जितनी आपको पसंद है आप इसमें डालें, और थोड़ा सा चाट मसाले का अगर आप टच देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इसमें चीज़ डाल के यूँ मिक्स करें। देखें जी, चिप्स रेडी हो चुके हैं। ये देखें, इमली वाले चिप्स, ये मैंने चाट मसाला साथ रखती है। क्रैनबेरी जूस मुझे बहुत पसंद है तो वो फिर मैंने रखा है साथ। और ये देखें, ये देखें चीज़ किस तरह इसके अंदर मेल्ट हो चुके हैं। बहुत मज़े के ये लगते हैं, चीज़ वाले चिप्स और इमली वाले चिप्स। तो आप इसको ज़रूर बनाएं और फिर बताएं ये आपको कैसे लगे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।